नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 4 समतल में गति पार्ट 3। इस वीडियो में मैं सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम पर चर्चा करूंगा। पार्ट 2 में मैं सदिश योग का त्रिभुज नियम बता चुका हूं। तो देखिए, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब दो सदिशों को परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी परिमाण एवं दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। जब दो सदिशों को परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी परिमाण एवं दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। ये तो है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अब इसको चित्र के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए चित्र, माना दो सदिश ए और बी परस्पर थीटा कोण पर झुके हैं। इन्हें परिमाण एवं दिशा में समांतर चतुर्भुज OPQS की संलग्न भुजाओं OP और OS से प्रदर्शित किया गया है। अब ये कथन जो है, जब दो सदिशों को परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, ये दो संलग्न भुजाएं OP और OS, तो सदिश ए को OP से और सदिश बी को OS से प्रदर्शित किया गया है। तो इसका जो परिणामी होगा परिमाण एवं दिशा में, परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाए, ये दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो ये हुआ R, उस यदि R उसका परिणामी होगा तो वह OQ से प्रदर्शित होगा। अब इस परिणामी R का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करने के लिए हम भुजा OP को बढ़ाएंगे और क्यू से OP पर लंब डालेंगे और बताएंगे कैसे इसका परिणामी आप ज्ञात कर सकते हैं। सदिश R का परिमाण दिशा ज्ञात करने के लिए OP को T तक बढ़ाया गया और क्यू से इस पर लंब डाला गया। एक OTQ एक समकोण त्रिभुज होगा और यह कोण थीटा है, यह कोण भी थीटा होगा संगत कोण के कारण, यह कोण भी थीटा होगा संगत कोण के कारण। अब समकोण त्रिभुज, OTQ में OQ का ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय में से OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, और OT को हम लिख सकते हैं OP प्लस PT, यानी OT की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
ओपी प्लस पीटी प्लस क्यू टी स्क्वायर। अब इसका वर्ग हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर प्लस टू ओपी इंटू पीटी ये क्यू टी स्क्वायर। यहां हम पीटी और क्यू टी की जगह, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये पी टी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो यानी पी टी और क्यू टी की जगह हम पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस टू ओ पी इंटू पी टी। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी टी क्यू में टैन थीटा सॉरी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा पी टी बटे पी क्यू, या यहाँ से हम पी क्यू निकालना चाहेंगे, अरे सॉरी पी टी निकालना चाहेंगे, तो पी टी बराबर हो जाएगा इसके इसमें गुणा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी क्यू इंटू कॉस थीटा। यानी अर्थात समीकरण एक में पी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पी क्यू कॉस थीटा, अर्थात ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस टू ओ पी, और पी टी की जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू कॉस थीटा। यदि ओ पी बराबर ए यानी सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण और पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू बराबर किसके है, पी क्यू बराबर है ओ एस, पी क्यू बराबर है ओ एस, तो ओ एस बराबर बी, ये सदिश बी का परिमाण है, और ओ क्यू, ओ क्यू बराबर यदि आर लें जो सदिश आर का परिमाण है, तो ये हो जाएगा यहाँ ओ की स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और ओ पी की जगह ए स्क्वायर और पी क्यू की जगह बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा टू ए इंटू बी कॉस थीटा इंटू, यानी हम लिख सकते हैं ओ क्यू की जगह आर, ओ पी की जगह ए और पी क्यू की जगह बी, ये मिलेगा हमें आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, या आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यह हुआ परिणामी सदिश आर का, परिणामी सदिश आर का परिमाण, यानी सदिश आर का ये क्या हुआ परिमाण। अब हमें ये तो परिमाण में मिला, अब हमें दिशा भी ज्ञात करनी, ये इसका परिमाण है, अब हमें इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है, तो देखिए दिशा कैसे ज्ञात होती है। माना
परिणामी सदिश आर सदिश ए से अल्फा कोण बना रहा है। अब हमें कोण अल्फा ज्ञात करना है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ओ टी क्यू में टैन अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी क्यू टी बटे ओ टी। अब यहाँ क्यू टी ओ टी को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी टी। अब समकोण त्रिभुज पी टी पी टी क्यू में साइन थीटा बराबर होगा लंब, यानी क्यू टी लंब क्यू टी बटे कर्ण पी क्यू। यहाँ से क्यू टी हो जाएगा, क्यू टी बराबर हो जाएगा इसके, इसमें गुणा हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा। और इसी त्रिभुज में कॉस थीटा बराबर होगा पी टी आधार आधार बटे कर्ण, यानी पी टी अपान पी क्यू। और यहाँ से पी टी बराबर हो जाएगा, पी टी बराबर हो जाएगा इसका, इसमें गुणा हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा। इसलिए हम लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर लिख सकते हैं क्यू टी की जगह लिख सकते हैं पी क्यू साइन थीटा, और ओ पी अपनी जगह है, और यहाँ लिख सकते हैं पी टी की जगह पी क्यू कॉस थीटा पी क्यू कॉस थीटा। अब ये पी क्यू ए का सदिश ए का परिमाण है, तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू सदिश बी का परिमाण है, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू की जगह बी साइन थीटा, और ओ पी सदिश ए का परिमाण है तो ए, और ये बी कॉस थीटा। तो ये हुआ दिशा, यानी टैन अल्फा बराबर मिला हमें, या लिख सकते हैं अलग से यहाँ टैन अल्फा बराबर मिला बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये परिणामी सदिश आर का सदिश ए से दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी सदिश आर का जो हम इसके पहले परिमाण निकाल चुके हैं कि आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और ये दिशा उसका परिमाण है और ये उसकी दिशा है।